हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, यू इंग्लिश टीचर फ्रॉम एचडी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंस। तो बच्चों, हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और पास्ट टेंस हम कर रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करा था, और सेंस ऑफ फॉर्म में भी हमने देखा था कि कहाँ पे डेफिनेट टाइम के लिए हम सेंस यूज करते हैं और इनडेफिनेट टाइम के लिए हम फॉर्म को यूज करते हैं। क्लियर? तो पास्ट टेंस हम कर रहे हैं, तो पास्ट इनडेफिनेट हमने कर लिए थे, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूस को कंटिन्यू करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट में हमने सिंपल देखा था कि किस तरह से कोई भी सब्जेक्ट होता है, या फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? हमने यहाँ पे एक्सरसाइज भी करी थी, वेयर यहाँ पे सबके साथ हमने क्या यूज करा था? वी टू, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने वॉज और वर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने क्या यूज करा था? इज एम आर। क्लियर? तो ये भी हमने कंप्लीट करा था कल कि आई वॉज गोइंग टू देहरादून। तो कोई भी, चाहे कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं, बट जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो चेंज होते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, इनकम्प्लीट है बट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यू है, तो वो कहलाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर हम कोई काम कर रहे थे, That is your past continuous tense. अगर हम कर रहे होंगे, future continuous tense. Clear? तो ये हमने कल करा था बच्चों, यहां तक हमने करा था, और एक्सरसाइज आज हम करेंगे। वॉज और वर यूज करते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज करते हैं? इज एम आर, इज एम आर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और पास्ट में हम यूज करते हैं वॉज वो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दिस इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल सा है, इन दोनों को पास्ट में क्या हो जाता है? वॉज। आर का क्या यूज करेंगे? आप वर्ब और प्लस वी वन प्लस आई एन जी वी फोर। क्लियर? सिंपल सा हमने कल करे थे ये, अभी रिवीजन करते हैं और फिर हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। वॉज वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के हम यूज करते हैं। आई वॉज गोइंग टू इज देहरादून, तो आई इज योर सब्जेक्ट, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब, गोइंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू देहरादून। माई फादर वॉज राइटिंग अ लेटर, दे वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। अब जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करके आप कर सकते हैं। दे वर गोइंग टू देहरादून, शी वॉज गोइंग टू देहरादून। क्लियर? राम वॉज गोइंग टू देहरादून। इस तरह से आप जो है यहाँ सब्जेक्ट चेंज करके सेंटेंस को बना सकते हैं। माई फादर वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, दे वर मेकिंग अ नॉइज, ये स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट को चेंज करके डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं डिफरेंट वर्ब से। क्लियर? अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या यूज करते हैं हम? नॉट। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। क्लियर? शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, दे वर नॉट ओपनिंग द डोर। क्लियर? सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हम ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं बिफोर द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज यूर ही, यू, तो हमने कहा ऑक्सिलरी वर्ब को कहाँ यूज करा है? बिफोर द सब्जेक्ट, और फिर हम यूज करते हैं मेन वर्ब को। वॉज ही गोइंग टू स्कूल, वॉज शी गोइंग टू स्कूल, वर दे गोइंग टू स्कूल, अगर प्लूरल है या वी है तो हम क्या यूज करते हैं? वर यू प्लेइंग देयर, अगर क्यों, वाई, वेयर यूज करना है तो बिफोर द ऑक्सिलरी वर्ब वी यूज Why, how, where, clear? Why were you not working yesterday? तो ये हमने कल करे थे, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे बेस्ड ऑन
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सिंपल सा है, आप यहां पे लिख सकते हैं कि ही शी इट के साथ वॉज प्लस सेम है कि आई के साथ दिया वॉज प्लस वी वन प्लस आई एन जी यू वी दे वो प्लस वी वन प्लस आई एन जी। क्लियर? यहां पे क्या है बच्चों, ही डैश और नॉवल ब्रैकेट में क्या है, राइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, राइटिंग। ही अब क्या यूज करना हमने यहाँ पे, वॉज। ही वॉज राइटिंग अ नॉवल, राम वॉज राइटिंग अ नॉवल। अगर यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है तो आप क्या लिखते, ही इज राइटिंग अ नॉवल। क्या लिखते बच्चों, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, He was writing a letter. Next क्या है, birds। अब birds क्या है, plural है, nest in trees। तो birds were building nest in trees। अगर यहां पे present continuous tense में होता तो बच्चों क्या लिखते हैं आप, birds are। ही वर्ब इज योर डू, तो क्या होगा यहाँ पे, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो क्या लिखते हैं आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ही इज डूइंग हिज वर्क। अगर यहाँ पे सीता होता तो क्या लिखते हैं आप बच्चों, सीता वॉज डूइंग हर वर्क, तो हिज का क्या हो जाता, हर। क्लियर? ही वॉज डूइंग हिज वर्क। He dash very well। या यहाँ पे प्रॉपर नाउन यूज करके आप देखें कि क्या आएगा, राम वॉज स्विमिंग वेरी वेल। दे होता तो क्या होता बच्चों, दे वर स्विमिंग वेरी वेल। द ओल्ड मैन डैश इन द सन, द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे क्या है, द ओल्ड मैन सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे हम, वॉज सिटिंग इन द सन। नेक्स्ट है माई मदर डैश अ स्वेटर, तो क्या आएगा, माई मदर वॉज निटिंग अ स्वेटर। अभी हम सेंटेंस कर रहे हैं, फिर हम जो है एक पैराग्राफ में हाउ टू फिल या हाउ टू चेंज द वर्ब्स वो हम करेंगे लेटर। क्लियर? तो माय मदर वाज नीटिंग अ स्वेटर, तो यहाँ पे आ जाता है डबल टी, के एन आई टी टी आई एन जी, के आपका साइलेंट रहता है और हम क्या प्रोनाउंसिएशन इज योर नीटिंग। क्लियर? हर फादर वॉज रीडिंग द रामायण। नेक्स्ट है ही डैश और रेड कैप, ही वॉज वियरिंग और रेड कैप, वी वर। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि आई एन जी फॉर्म जो है सेम है, बट अकॉर्डिंग टू द पर्सन या सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हम ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, वेयर। अब क्योंकि यहां पे दे है बच्चों तो क्या होगा यहाँ पे, वेयर वर दे स्लीपिंग। अगर यहाँ पे शी होता है या ही होता है तो क्या होता है बच्चों, वेयर वॉज ही स्लीपिंग।
वेयर वर दे स्लीपिंग। अगर यहां पे वेयर वॉज शी स्लीपिंग, क्लियर? तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखना है कि प्लूरल है या सिंगुलर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। तो इस वजह से ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट होता तो हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम, ही शी इट के साथ हम यूज करते हैं इज, प्लूरल यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं आर, क्लियर? नेक्स्ट इज योर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट इसका मतलब क्या, अभी हमने कंटिन्यूअस कराया था, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट टेंस, क्लियर? प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल, बट पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, आपका टेंस क्या है, कंप्लीट, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी आपका एक्शन है वो क्या है, कंप्लीट है, क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट में और दोनों में कंपेयर करते हैं तो आपको जितने भी डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज और हैव, बट पास्ट परफेक्ट में जितने भी हमारे चाहे सिंगुलर है, ही शी इट है, आई यू वी दे है, सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, हैड, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज हैव का क्या हो जाता है बच्चों, हैड, बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज को हम यूज करते हैं ही शी इट के साथ, और हैव को यूज करते हैं हम आई यू वी दे, बट यहाँ पे ही शी इट आई यू वी दे सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, हेड, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इज इट क्लियर? तो डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में मैं काम कर चुका हूँ, वे काम कर चुके हैं, बट पास्ट टेंस में क्या है, वे काम कर चुके थे, राइट? आई हैड डन माय वर्क, इसका मतलब क्या है, मैं काम कर चुका, पास्ट की बात कर रही हूँ कि मैं काम कर चुकी थी, अगर मैं कह रही हूँ कि आई हैव डन माय वर्क इट मीन्स मैं अपना काम कर चुकी हूँ, क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, इज इट क्लियर? The past perfect tense is used to refer actions that took place and were completed in the past. Incomplete नहीं है, complete है. अगर incomplete होगा तो क्या कहलाएगा बच्चों आपका, continuous tense. Incomplete, incompleted in the past. Formula क्या है आपका, subject, auxiliary verb, third form of the verb V3. And then object. Clear? Affirmative sentence, I had gone home. तो यहाँ पे सिंपल सा है कि सबके साथ आपको क्या यूज करना है, said, plus V3, third form of the verb. I had gone. Verb ki third form, V3, home before you came. तुम्हारे आने से पहले जो है वह जा चुका था। शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटर्न अ लेटर। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो काम आपने पहले किया है, राइट? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आई हैड गॉन होम कि मैं जा चुका था बिफोर यू केम। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों आपका,
पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो कौन सा काम पहले हुआ? आई हैड गॉन, कि उनके आने से पहले। तो लेटर काम कौन सा हुआ? यू केम। बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले वो जा चुका था, राइट? नेक्स्ट, शीला वेंट टू स्कूल। अब शीला जो है क्या है, स्कूल जा चुकी है आफ्टर शी हैड रिटर्न अ लेटर, उसके जो है पत्र लिखने के बाद। आफ्टर शी हैड रिटर्न अ लेटर, तो पहले क्या कौन सा काम हुआ आपका? पत्र लिखने का हुआ है, कि आफ्टर शी हैड रिटर्न अ लेटर। व्हेन ही रीच्ड द स्कूल द बेल हैड रंग, जब वो स्कूल पहुंची तो बेल क्या हुई थी? बज चुकी थी। तो पहले काम कौन सा हुआ है? ये वाले काम हुआ है पहले, द बेल हैड रंग, शी हैड रिटर्न अ लेटर, आई हैड गॉन। तो जो काम पहले आपके हो चुके थे तो वो क्या होंगे आपके? पास्ट परफेक्ट टेंस। बट जो लेटर काम हुआ है उसमें आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट इनडेफिनिट टेंस। क्या यूज करेंगे आप? पास्ट इनडेफिनिट टेंस। तो यहां पे हमने क्या यूज करा, तो ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, यहां पे हमने क्या यूज करा है? पास्ट इनडेफिनिट। जो काम आपका लेटर हुआ है, बाद में हुआ है, उसमें हम पास्ट इनडेफिनिट यूज करेंगे, और जो हम काम कर चुके थे उसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां भी आपने देखा होगा, यहाँ पे हमने क्या यूज करा? पास्ट इनडेफिनिट, शीला वेंट टू स्कूल आफ्टर शी हैड रिटर्न अ लेटर, कि पहले उसने लेटर लिखा उसके बाद वो स्कूल गई। तो ये क्या होगा हमारा? पास्ट इनडेफिनिट टेंस। सेम इन द नेक्स्ट, व्हेन ही रीच द स्कूल, कि जब वो स्कूल पहुंची तो बेल क्या थी? पहले ऑलरेडी हैड रंग। तो ये क्या है? शीला वेंट, ये क्या हुए हमारे? लेटर काम हुए, बाद में हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट, और जो काम हम कर चुके थे उसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्लियर? द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड दिस। तो नेगेटिव में भी आपको यही रूल फॉलो करने हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट जो है बाद में हुए हैं काम, और जो आपके पहले काम हुए हैं उसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो द बेल डिड नॉट रिंग, क्योंकि बेल क्या हुई यहाँ पे? डिड नॉट रिंग After he had reached the school, उसके पहुंचने के बाद भी जो है the bell did not ring. तो पहले क्या काम हुआ? कि वो स्कूल पहुंच गया। क्लियर? तो ये did not ring क्या है आपका? Past indefinite tense है। क्लियर? Similarly, I had not received your letter till yesterday. कल तक मुझे जो है तुम्हारा letter receive नहीं हुआ। I had not received your letter till yesterday. कल तक। The train had not left before I reached the station. तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? The train had not left before I reached the station. मेरे पहुंचने से पहले जो है train had not reached. Negative है ये. Did he go to school after I had come? Why had the boy not done the work before I came? When had Sita written a letter before she slept? तो यहाँ पे मैंने underline करे हैं, वहाँ पे आपके past indefinite tense आएगा, और जो highlight करे हैं वो आपके क्या हैं? Past perfect tense. सेम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, रूल सबके सेम है, कि हमारे ऑक्सिलरी वर्ब पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब आपका यूज करेंगे, राइट? अगर डब्ल्यू एच है, वाई, वेन, वेयर है, तो उसे हम कहां ऑक्सिलरी वर्ब से पहले यूज करेंगे। तो सिंपल सा है, आपको हेड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करनी है, आपको ये देखना है कि पहले काम कौन सा हुआ है और लेटर काम कौन सा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम टेंस को यूज करते हैं। क्लियर? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंपल सा हम क्या यूज करते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई हैड। अगर प्रेजेंट में होता है तो हम क्या बोलते हैं? मैं काम कर चुका हूँ, आई हैव डन माय वर्क,
अगर मैं पास्ट में बोलूंगी तो क्या बोलूंगी बच्चों, आई हैव डन माई वर्क। अगर सीता के लिए बोल रही हूँ कि सीता हैज डन हर वर्क, पास्ट में क्या बोलूंगी बच्चों, सीता हैड डन हर वर्क। क्लियर? तो इस तरह से आपको यहाँ पे चाहे ही शी इट है, आई है, यू वी दे है, सबके साथ आपको क्या यूज करना है। क्लियर? एक्सरसाइज है बच्चों, तो यहाँ पे वर्ब दिया है और आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज करना है, यूज करना है, हाउ टू यूज। तो सिंपल सा है इसमें, ही शी इट, आई यू वी दे, सबके साथ आपको क्या यूज करना है, हैड प्लस बी थ्री। क्लियर? पास्ट परफेक्ट टेंस है कोई भी आपका टेंस है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम है, चाहे वो कोई काम कर रहा है, एक्शन है, कोई भी एक्शन है, कंप्लीट है, इन दैट केस वी यूज, और पास्ट में है, इन दैट केस वी यूज हैड। अगर प्रेजेंट में कोई काम कर चुके हैं आप, इन दैट केस यू यूज हैज और हैव ऑक्सिलरी वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, द पैरेट डैश आउट ऑफ द केज फ्लाई, और फ्लाई का क्या होता है बच्चों, फ्लाई फ्लू फ्लो। तो आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पता होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, आपको क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? सिमिलरली शी डैश द सम करेक्टली, तो क्या लिखेंगे आप, शी हैड सॉल्व द सम करेक्टली, क्योंकि आपको सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही शी इट, चाहे आई यू वी दे, कोई सा भी आपका पर्सन है या सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको क्या यूज करना है, एट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, द पैरेट नेक्स्ट है, शी हैड सॉल्व द सम करेक्टली। आई क्या आएगा बच्चों, आई हैड ट्राइड ED, हार्ड एंड सक्सीडेड, द गर्ल्स हैड प्ले, थर्ड फॉर्म को आपको यूज करनी है यहाँ पे, ही हैड राइट रोट रिटर्न, दे हैड डू डिड डन, दे हैड डन देयर वर्क, रहीम हैड वर्क हार्ड। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, सबके साथ हैड प्लस वी थ्री, जितने भी वर्ब दिए हैं सबकी वी थ्री फॉर्म यूज करनी है विद ऑक्सिलरी वर्ब हैड। रहीम हैड वर्क। अब आपको क्या, वी थ्री हम किसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने यूज करा था, पर डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस किससे हमें पता चलता है कि ये वाला काम आप जो है प्रेजेंट में करा है या पास्ट में करा है, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्प कर रहे हैं मेन वर्ब को, वो हमें बता रहे हैं कि वेदर जो भी काम आपने किया है वो प्रेजेंट में किया है या पास्ट में किया है। जैसे यहाँ पे हेड लिखा है, तो इसका मतलब आपने जो भी काम किया है किसमें करा है, कल करा है, पास्ट है, बीत गया है, राइट। बट अगर हैज और हैव लगाएंगे तो इट मीन्स जो भी काम आप कर चुके हैं वो किसमें है, कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज इन प्रेजेंट टेंस। क्लियर? तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब बताते हैं कि वेदर द वर्क इज इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। क्लियर? थर्ड फॉर्म दोनों में हमने यूज करी है, बट चेंज किया हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? व्हेन ही रीच द स्कूल द बेल हैड रिंग रैंग रंग, राइट।
बेल हैड रंग आई डैश होम बिफोर यू केम। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आई हैड गॉन, गो वेंट गॉन बिफोर यू केम, कि तुम्हारे आने से पहले ही जो है वो घर जा चुका था। तो इसका मतलब जो काम हम कर चुके थे पहले हुए हैं, तो उसमें क्या यूज करा हमने, पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में काम हुआ तुम्हारे आने से पहले, राइट। तो यू केम, आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम। वेन, अब यहाँ पे क्या लिखा, सीता वेन हैड, सीता रिटन अ लेटर बिफोर शी स्लेप्ट। जब सीता अपना लेटर लिख चुकी तो फर्स्ट काम कौन सा हुआ आपका, ये हुआ, और बाद में वो सोई। तो लेटर काम कौन सा हुआ बाद में, कि वो सो गई। तो पहले क्या करा उसने, पत्र लिखा। जब उसने पत्र लिख चुकी थी तो वो जो है सोने से पहले वो पत्र लिख चुकी थी। तो क्या है, वेन हैड सीता रिटन अ लेटर बिफोर शी स्लेप्ट। क्लियर। तो इस तरह से आपको हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है इन पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं हम, हैज और हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दोनों में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बट डिफरेंस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, उसमें हम हैज और हैव यूज करते हैं। इसमें हम कोई भी फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो आप जो है अभी हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, और बाद में हम बताएंगे कि पैराग्राफ में आपको किस तरह से वर्ब को चेंज करना है, और कैसे समझना है आपको कि यहाँ पे हमें पास्ट टेंस यूज करना है या प्रेजेंट टेंस यूज करना है। क्लियर। तो दिस इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट Continuous, and third is your past perfect tense. Next is your since और for का difference हमने आपको पहले बताया, क्योंकि present perfect continuous tense हम कर चुके हैं और उसमें ही हम क्या use करते हैं, time, since और for को use करते हैं। Since हम definite time के लिए use करते हैं और for हम use करते हैं indefinite time. Point of time, duration of time, period of time. राइट अगर हम टाइम कहते हैं 2 बजे से हैं तो हम सिंस यूज करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे क्या है, फिक्स टाइम नहीं है, और आवर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम क्लॉक में देखें अगर मैं यहाँ पे बोल रही फॉर 2 आवर्स, अगर मैं बोल रहे हैं आपको 2 आवर्स, तो मे बी ये वाले 2 आवर्स हो सकते हैं 2 से 3, राइट। मे बी आपके ये वाले 2 आवर्स हो सकते हैं, मे बी ये हो सकते हैं, मे बी ये हो सकते हैं। बट अगर मैं बोलूंगी 3 o'clock या 2 o'clock, इट मीन्स मैं एग्जैक्ट टाइम बता रही हूं मैं आपको। क्लियर। तो उसमें कोई वेरी नहीं कर रहा है कि मैं 2 बजे से बोल रही हूँ तो मैं 2 बजे से कोई काम कर रही हूँ, एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस। बट यहाँ पे आपका वेरी कर रहा है, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, फॉर टू आवर्स 7 and then 8। क्लियर। अगर मैं 2 o'clock कह रही हूँ तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि 2 बजे से। क्लियर। या मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे 4 बजे से या 5 बजे से, एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock। तो हम क्या यूज करेंगे, सेंस। अगर मैं बोलूंगी 2 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, तो कोई से भी हो सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जहां पे आपके ड्यूरे पीरियड ऑफ टाइम होगा, इन दैट केस वी यूज फॉर इनडेफिनेट टाइम। जब हम फिक्स टाइम बोलेंगे तो उस समय हम क्या यूज करेंगे, सिंस को यूज करेंगे। क्लियर।
इसी तरह से ईयर की बात होगी या मंथ की बात होगी, हमारे 12 मंथ होते हैं, तो अगर हम पर्टिकुलर नाम देंगे जनवरी फरवरी मार्च, तो हम सिंस यूज करेंगे। अगर हम बोलेंगे 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, तो हम क्या यूज करेंगे, फोर फॉर। क्लियर। सिमिलरली अगर हम डेज की बात करेंगे, तो अगर हम संडे मंडे बोलेंगे तो सिंस यूज करेंगे, अदरवाइज 2 डेज के लिए हम यूज करेंगे फॉर 2 डेज। क्लियर। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस करी थी। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock, ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन मिसिंग फॉर 2 डेज, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। तो यहाँ पे हमारा जो है डेफिनेट टाइम नहीं बता रहे हैं, हम 2 डेज के लिए बोल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं पर्टिकुलर सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे, तो हमें पता है एग्जैक्ट कि वो फ्राइडे से मिसिंग है। क्लियर। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी हमारे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस। क्लियर। बट कॉम्बिनेशन प्रेजेंट का है या पास्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने क्या यूज करा था, हैज और हैव को यूज करा था, बीन एंड कंटिन्यूअस के हमारे आईएनडी फॉर्म को यूज किया था। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको क्या यूज करना हैड बीन और वी वन आईएनजी। क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हम हैज हैव बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं बस, बट पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैड बीन या हैज बीन, सॉरी हैड बीन का यूज करते हैं। क्लियर। और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो कॉन्टिन्यूस से क्या लिया है हमने यहाँ पे, वी वन प्लस आई एन जी, और परफेक्ट से क्या लिया है आपने, हैड। और दोनों को ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को कौन सा वर्ड जोड़ा है, दैट इज योर बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, नेक्स्ट इज योर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यहां पे हमने क्या यूज किया था, हैज हैव बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी। यहां क्या यूज करेंगे, हैज और हैव का क्या हो जाएगा बच्चों, हैड हैड बीन एंड वी वन प्लस आई एन जी। क्लियर। ये डिफरेंस है दोनों में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये वाला पार्ट जो है दोनों में सेम है, बट डिफरेंस क्या है, हैज हैव और हैड का। क्लियर। द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इज यूज्ड टू इंडिकेट ए कंटिन्यूइंग एक्शन इन द पास्ट बिफोर एनदर एक्शन बिगेन और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन। क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, दो हमारे हैं ए और सिंस और फॉर को हम यहाँ पे यूज करें। तो एफर्मेटिव सेंटेंस, यू हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। सुबह से क्या कर रहे हैं वो आप, एक जो है कर रहे थे, यू हैड बीन रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यू क्या है आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, बीन रीडिंग क्या है आपकी, वी वन प्लस आई एन जी। तो ये आपका परफेक्ट टेंस है और ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन है और इसके बीच में एक वर्ड हमने ऐड करा है, दैट इज योर बीन। अ बुक इज योर ऑब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से। अगर आता आपका फॉर आता है फॉर 2 आवर्स, अगर 1 आवर होता, 2 आवर्स होता, 3 आवर्स होता, तो हम क्या यूज करते बच्चों, फॉर फॉर 2 आवर्स। सिमिलरली आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 डेज। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर 2 डेज, क्योंकि हम 2 दिनों से बोल रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से 2 डेज हैं, राइट। तो आई क्या है आपका सब्जेक्ट, हेड क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, राइटिंग क्या है आपका
आईएनजी फॉर्म बीन अ लेटर फॉर टू डेज. सिमिलरली रमेश हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर वन मंथ, एक महीने से. बट हमें ये नहीं पता कौन सा वन मंथ है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून, जुलाई, अगस्त, 12 मंथ में से कौन से मंथ से वो हार्ड वर्क कर रहा था, ये इट इज नॉट क्लियर. दैट इज वाई यहाँ पे हमने क्या यूज करा, फॉर वन मंथ. अगर यहाँ पे आता जनवरी आता तो हम लिखते सिंस जनवरी. क्लियर? तो ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सिंस और फॉर किसके साथ हमें यूज करना है. क्लियर? तो अगर यहाँ पे होता है सिंस, कब यूज करते हैं, सिंस फेब्रवरी या सिंस मार्च, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्ट मंथ का नाम ले रहे हैं, राइट? और इससे पहले क्या था, फॉर वन मंथ. तो रमेश हैड बीन वर्किंग हार्ड, कब से जो है मेहनत कर रहा था, एक महीने से. बट इट इज नॉट क्लियर कि फ्रॉम विच मंथ ही हैड बीन वर्किंग हार्ड. क्लियर? तो अगर सिंस मार्च होता, अगर मार्च एग्जैक्ट टाइम दिया होता, तो देन वी यूज, तो रमेश हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर वन मंथ. क्लियर? तो इसी को बच्चों सारे बच्चे रिवाइज करेंगे और घर में प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आजकल बच्चों की जो है राइटिंग हैबिट कम हो गई है. तो जो भी यहाँ पे टेंस पढ़ाए हैं उनको आप घर में जाके प्रैक्टिस करें, पैराग्राफ लिखें, कोई भी टॉपिक ले और उस पे जो है आप लिखने की कोशिश करें. और जैसे ही आप लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मैगजीन्स को पढ़ें और वहां देखें कि कौन से टेंसेस हमने पढ़े हैं और कौन से यहाँ पे यूज हुए हैं, प्रेजेंट में है, पास्ट में है. क्लियर? तो आप घर में जाके कोई भी टॉपिक लें और उस पे लिखें. क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द टॉपिक एट होम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.